सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर चुकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुश्री जोहरा बानो को आज समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या के चैम्बर में आयोजित सादे सम्मान कार्यक्रम में सुश्री जोहरा बानो और उसके परिवार के सदस्यों के अलावा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर सुश्री जोहरा बानो के अभिभावक, परिजन, निदेशक डॉ. नितिन शाक्या और स्वयं जोहरा बानो ने अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त किया। हम सबके लिए इसलिए गर्व की बात है क्योंकि ये हमारे बीच की जो बच्ची है वो आज इतना बड़ा एक कामयाबी हासिल कर पाई है। हम लोग बहुत छोटा इसमें से आता हूँ, ड्राइवर का हम बहुत तकलीफ से बच्चों लोगों को पढ़ाया और साथ दिया। आज बहुत खुशी मिलता है और ये तरह जगह में और एक ऑफिसर के सामने जाके हम लोग को बैठना बोलने से बहुत बड़ा बात है और आप लोग इतना अच्छे से हम लोग को इन्वाइट किया, बहुत खुशी लगता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी बच्ची नहीं, मेरी ए आइलैंड की बच्ची बन गई है अभी। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे दिन देखे थे जो बच्ची का स्ट्रगल और हम लोग के स्ट्रगल, आज उसका कुछ रिजल्ट सही आया है और हम लोगों ने जो किया था वो सही किया था, आज हम लोगों को लग रहा है। शी सपोर्टेड मी एवरी टाइम, सेम थिंग मैंने भी उसको वो सपोर्ट दिया। तो जब वो बार बार उसको फेलियर्स जब आ रहे थे तो वो बहुत लो फील करती थी, तो काउंसलिंग करना, उसके उससे बात करना, तो वो सब जरूरी होता है एज अ फैमिली मेंबर, राइट? तो हम लोगों को सबको यही करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के बातें करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा हौसला होता है। के सामने एक मिसाल है यहाँ पे जिनकी परसीवरेंस और जो कंसिस्टेंसी से वो काम करते रहे, तो अगर ये चाहते तो अपने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में हार मान के बैठ जाते और इनका सिलेक्शन नहीं होता और ये उम्र भर इसी जो सैडनेस थी उसमें बैठे रहते कि भाई मैं इस काबिल नहीं थी। लेकिन इनका हर बार प्रीलिम्स जो था वो अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद दोबारा ये नई एनर्जी से काम करती, दोबारा जो है एग्जाम को देती और आखिरी में जो इनका लास्ट अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने सक्सेस हासिल कर ली। तो इसका निष्कर्ष यही है कि सक्सेस हमें मिल सकती है, बस हमें कंसिस्टेंट रहना है और सही डायरेक्शन में हमें काम करना है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे फैमिली सपोर्ट है। तो आप लोग जो पेरेंट्स हैं और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैडम की सिस्टर हैं तो वो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करती थी, तो आप लोग के जो सिबलिंग्स हैं उनको सपोर्ट करिए, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं या रिसोर्सेज हैं, किसी भी चीज की कमी हो सकती है आपके पास, लेकिन आपके पास एक चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी की, एक पॉजिटिव नजरिया की। तो वो अगर आपके पास रहेगा तो आप सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। तो यही शुभकामनाएं मैं मैडम को देता हूं, उनके पेरेंट्स को देता हूं, उनके फैमिली मेंबर्स को देता हूं और आप सभी को देता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से परिश्रम करते रहिए और अपने गोल को हासिल करिए, जो भी आपकी आशाएं हैं वो जल्द ही सफल होंगी। मैं कभी कोई रील्स या कोई यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेट नहीं होती थी, मेरे मोटिवेशन खुद से आता था और मुझे ये बहुत क्लियर तरीके से पता था कि क्यों मैं सर्विसेज में आना चाहती हूँ। जो मेरा वाई था, जो मेरा रीजन था वो काफी क्लियर था। मैं कॉर्पोरेट में रह के मनी वॉज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर क्योंकि कॉर्पोरेट में अच्छे पैसे मिलते हैं, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे हमेशा ये था कि आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मुझे कुछ अच्छा करना है, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन जो हम बोलते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, ट्राइबल्स, क्योंकि मैं अंडमान से आती हूँ तो मैंने ट्राइबल्स का भी बहुत देखा है स्ट्रगल और इसीलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल भी सेलेक्ट किया था। तो मेरा वो बेंट ऑफ माइंड हमेशा रहा है कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इसकी वजह से मैं और जब मैं सिलेबस भी पढ़ती थी तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि हम एज अ सिविल सर्वेंट बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स आर सोसाइटी, टुवर्ड्स आर नेशन बिल्डिंग। सो दैट केप्ट मी गोइंग, वो हमेशा एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं रोज उठती थी और मैं रोज किताबें खोल के बैठती थी, इवन दो मैं मुझे नहीं पता था कि मैं सक्सेसफुल रहूंगी या फेलियर रहूंगी, बट इट डिडंट मैटर।
इवन दो मैं फेलियर थी, मेरे नाम के आगे एक टैग था कि मैं फेल हो रही हूँ बार बार, पर फिर भी मैं उठती थी एंड आई यूज टू स्टडी। कार्यक्रम में निदेशक ने सुश्री जोहरा बानो और उसके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। मैंने